जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था. मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई. वहाँ मुझे बाहर से अटैक कर, मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जाए, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा. तो मैं अंदर आ गई. फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन सुलझा रहे थे, सब बुरखा कार्ड बुरखा कार्ड और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे. सो तब मैंने आवाज़ डाली. तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे. 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी, कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में. एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे. वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुँह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम चले जाओ बुरखा काटो ऐसे कुछ बोल रहे थे. कब से आप हिजाब पहन रहे हैं? और पहले इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन थी? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था. हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे. हम बुरखा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं. लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे. वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे. और क्या बोल रहे थे? बुरखा काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकते, मतलब बुरखा निकालो निकालो करके मुझे डरा रहे थे सब. मेरे से पहले 4 लोग आए लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था गेट ही. फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया. वो ऐसे ही लड़के उनको बुला के गए, वो रो के चले गए अंदर. फिर मेरे साथ भी ऐसे ही रिपीट किया, मैं नहीं रोई, मैं उनको आवाज़ डाली. क्या बोले? मैं बोली अल्लाहु अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी. मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है. तो आप, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है कॉलेज में, सर हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो, ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं. प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, हिजाब पहनना चाहिए? हाँ, पहनना चाहिए, पहनना चाहिए. तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसा अगेंस्ट नहीं जाएंगे इंशाल्लाह. हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को. तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां अब जो हो रहा है हर तरफ जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके? सर देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान. मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहन कर हैं. ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे. ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे. मेरे कॉलेज में तो बॉयज खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुरखा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे. हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस. तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट. हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट. तो अगर आप कल हाईकोर्ट बोले कि आप हिजाब नहीं बोले जा सकते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं बोलेगी सर, भरोसा है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट गो अगेंस्ट द रिलीजियंस, सो वी हैव अ ट्रस्ट ऑन देम. तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इतने, इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका.